हेलो दोस्तों, मैं सरोज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुंदरू की सब्जी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में उतनी ही आसान। जिसको कुंदरू पसंद ना है, अगर वो भी इस तरीके से बनाएंगे तो उनको सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी चालू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुंदरू लिया है, कुंदरू को मैंने धो करके साफ़ कर लिया है पहले से ही। अब इसको हम कट कर लेंगे, बीच से चीरा लगाएंगे और नीचे ज्वाइंट ही रहने देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कैसे काट रही हूँ, आप ऐसे ही काट ले। हमारे यहाँ कुंदरू बोलते हैं, कहीं पे टिंडली बोलते हैं, अब के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही सारे हम कुंदरू को काट लेंगे। आपको आप ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने दो तरीके से काटा है, आपको जो ईजी लगे आप काट लें। चलिए इसको हम फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में डाला 1 चम्मच तेल, तेल गर्म होते ही डालेंगे अपना कुंदरू और अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। आप चाहें तो बीच में फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं, आपका कुंदरू जल्दी फ्राई हो जाएगा। जिसका आप देख रहे हैं हमारा कुंदरू का एक कलर आ चुका है, अब इसे थोड़ी देर तक और भूनेंगे, थोड़ा और कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ हमारा कुंदरू कलर चेंज हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, फिर इसमें हम लेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि हमने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, बड़ा इलायची मैंने लिया है, थोड़ा सा जीरा, 1 तेज़पत्ता और 1 चक्रफूल लिया है। अब सारे मसालों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और मसाला फ्राई हो गया है, फिर हम डालेंगे मैं बारीक प्याज काट के। अब प्याज को भी अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि कच्चापन इसका निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे अपना बारीक कटा हुआ टमाटर और मैंने हरी मिर्च को चीरा लगा के लिया था, उसको भी यहीं पे डाल लेंगे। फिर यहाँ पर हम डालेंगे नमक, नमक आप चाहें तो यहीं पे स्वाद अनुसार डाल सकते हैं ताकि हमारा टमाटर जो है जल्दी गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो हमारा ये टमाटर यहाँ पर गल कर सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने लिया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर मैंने मिक्स लिया है, फिर 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब सारे मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे सारे मसाले हमारे। जिसे आप देख रहे हैं हमारे मसाले में ऊपर कितना ऑयल आ गया है, मतलब मसाला हमारा भून चुका है। इसमें हम डालेंगे दही, दही को मैंने पहले ही फेंट के लिया था। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका जो कढ़ाई है ज़्यादा गर्म ना हो, आपका दही फट जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे गैस को बंद कर सकते हैं या अपने फ्लेम को लो कर ले। और दही को अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा दही भून चुका है, इसमें हम डालेंगे अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। हमारे ग्रेवी में उबाल आ गया है, यहाँ पर हम डालेंगे अपना कुंदरू और 1 से 1.5 मिनट हम इसको पकने देंगे धीमी आंच पे। 1 से 1.5 मिनट पकने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे कस्तूरी मेथी, अगर आपके पास है तो डाले वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब कस्तूरी मेथी डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे इसको। तैयार है हमारा यहाँ पर कुंदरू की सब्जी। फिर इसमें हम डालेंगे अपना बारीक कटा हुआ धनिया, अब इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा सब्जी दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो चलिए इसको हम सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।